हेलो जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? और गाजर मटर का सीजन है और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर मटर की सब्जी। बहुत सिंपल ही, बहुत ही टेस्टी। तो ये मैंने हरी मिर्च ली है दो काट के, एक प्याज लिया है कट करके, और थोड़ा लहसुन, थोड़ा अदरक, एक टमाटो का पेस्ट लिया है, हरा धनिया और थोड़ा जूलियन अदरक लिया है। तो टमाटर पेस्ट कर लें और ऑयल लेंगे फ्राई के लिए और सूखे मसाले लगेंगे इसमें। और तो अभी बना लेते हैं। हाँ तो बना लेते हैं। अभी मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, तो एक चम्मच सरसों का तेल लिया है मैंने। सबसे फर्स्ट मैं डालूंगी इसमें अदरक, जीरा, लहसुन, प्याज डालूंगी, हरी मिर्च, प्याज थोड़ा बारीक हो चुका है बस इतना ही। अभी इसमें सूखे मसाले डालती हूँ, लाल मिर्च, हल्दी एकदम थोड़ी सी, और 1 टीस्पून धनिया डाला है मैंने। अभी टमाटर की पेस्ट डाल देती हूँ। नमक डालूंगी। टमाटर को हमने बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, अभी ये सब्जी डाल देती हूँ। गाजर मटर डाल दिया है मैंने। अभी इसको स्लो करके ढक देती हूँ। तीन मिनट हो चुके हैं, सब्जी देख लेते हैं। अभी 2-3 मिनट और रखती हूँ। हाँ जी, तो चेक कर लेते हैं। गाजर मटर हो चुके हैं, पक चुके हैं, देखिए मटर भी हो चुके हैं। अब इसको खुला करके थोड़ा भून लूँगी। हाँ तो यहाँ मैंने लिया है छोटा सा तड़का पैन और गरम करने रखा है। अब लूँगी थोड़ा सा घी, 1 चम्मच देसी घी, से गरम करूंगी। ये अदरक डाला है मैंने जूलियन। बस ये गरम हो चुका है। अभी घी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है गाजर का। गाजर मटर की सब्जी अभी तैयार हो चुकी है। अभी इसमें डाल देती हूँ हरा धनिया। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं, और ये गाजर बहुत ही बढ़िया लगेगी
टेस्ट भी बढ़िया आएगा, मटर का कलर भी वैसे ही रहेगा। बहुत ही अच्छी बनी हुई है। अब प्लेटिंग कर देती हूँ इसकी।